हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम करेंगे सीटेट सीडीपी के पेपर टू के कुछ पीवाईक्यू। ये 5 जनवरी का आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। चिल्ड्रन आर अनेबल टू लर्न ऑप्टिमली व्हेन दे आर अंडर नरिश्ड और अनवेल। कह रहा है कि अगर चिल्ड्रन जो है वो अंडर नरिश्ड है, मतलब उसका पोषण नरिशमेंट उसको सही से नहीं मिला, पोषण सही से नहीं हुआ, तो वो अनेबल होगा लर्न करने में अच्छे से। अगर बच्चे को अच्छे से पोषण नहीं मिला, उसका अच्छे से मतलब कहने का मतलब है कि अगर उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ तो उसकी लर्निंग भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए अगर बच्चे को सही से पोषण मिलेगा तो उसका दिमाग भी ज्यादा तेज होगा। ये कहने का मतलब है कि उसको नरिशमेंट मिलेगा तभी उसकी लर्निंग ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है। ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। फिजिकल डेवलपमेंट हैज एन इम्पैक्ट ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है। ऑल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। जितने भी डोमेन है, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव और इमोशनल, ये चार डोमेन है। तो ये चारों जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है। ये फिजिकल डेवलपमेंट अगर किसी का अच्छा है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। ठीक है। उसका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। अगर किसी का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, वो शरीर से बहुत कमजोर है, तो उसका दिमाग भी बहुत अच्छा नहीं होगा, उसका दिमाग भी बहुत कमजोर होगा। तो कह रहा है कि अगर अच्छे से नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो वो सही से नहीं सीख पाएगा, जो कि बिल्कुल सही बात है। और उसका कारण कह रहा है कि चारों डोमेन जो है फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव एक दूसरे से रिलेटेड है, और फिजिकल डेवलपमेंट जो है उसका असर होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो क्या है, ए एंड आर दोनों ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फर्स्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में भी कर लेते हैं। बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अस्वस्थ और अल्प पोषित है। सही बात है। अगर बच्चा अस्वस्थ है या अल्प पोषित है तो वो सही ढंग से नहीं सीख पाएगा। विकास के सभी आयाम परस्पर जुड़े हुए हैं। शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो ए आर दोनों सही है और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज दिस इलस्ट्रेट। द चाइल्ड लर्न्स टू स्टैंड बिफोर सी कैन वॉक एंड बबल बिफोर सी टॉक्स। कह रहा है कि बच्चा जो है पहले खड़ा होना सीख लेता है चलने से पहले। ठीक है, चलने से पहले वह खड़ा होना सीख लेता है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है कि एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। तो ये कौन सा सिद्धांत है? कोई भी बच्चा चलना बाद में सीखता है, खड़ा होना पहले सीखता है। ठीक है, और बात करना बाद में सीखता है, पहले बवल करना सीखता है, आ बा बा ऐसे जो करता है। तो ये विकास का कौन सा सिद्धांत है? ये विकास का सिद्धांत है कि विकास एक क्रम में होता है। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल। ठीक है, ये डेवलपमेंट ऑफ सिक्वेंशियल है। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो। हेड टू टो होता है तो इसका इसमें इस स्टेटमेंट में कहीं पे कुछ नहीं बोला गया। डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली। डिसऑर्डरली तो होता ही नहीं, क्रम में ही होता है। डेवलपमेंट प्रोग्रेस फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीम। सेंटर टू एक्सट्रीम जो होता है उसको प्रोक्सिमो मेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं। ये जो है डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, इसका सही आंसर है। ठीक है, ये सेंटर से एक्सट्रीम वाला प्रोक्सिमो वाला है। इसको हिंदी में भी करते हैं। निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की व्याख्या करता है? एक बच्ची चलने से पहले खड़ा होना सीखती है और बोलने से पहले बड़बड़ाना। ये कहता है कि विकास जो है वो एक क्रम में होता है। ठीक है, विकास का क्रम सिर से पैर तक होता है। तो सिर से पैर तक होता है तो इसका मतलब हुआ कि पहले सिर का विकास होगा, फिर
पैर का नीचे की ओर जाएगा, विकास सिर से शुरू होकर पैर की ओर जाएगा, तो वो इसमें नहीं कर रहा है। विकास अव्यवस्थित होता है, ये तो सिद्धांत ही नहीं है, ये सिद्धांत ही गलत दे दिया। विकास अव्यवस्थित होता है, विकास केंद्र से हाथ पैर की ओर, केंद्र से हाथ पैर की ओर जो विकास होता है उसको प्रोक्सिमो डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। वो ये नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, चिल्ड्रन लर्न द नॉलेज स्किल्स वैल्यूज एंड कस्टम्स ऑफ द सोसाइटी ओनली थ्रू फॉर्मल एजेंसी। कह रहा है कि चिल्ड्रन जो है वो नॉलेज स्किल और वैल्यू कस्टम ऑफ सोसाइटी ये सब किससे सीखता है, ओनली फॉर्मल एजेंसी, केवल फॉर्मल एजेंसी से सीखता है। क्या ऐसा है, फॉर्मल एजेंसी से सीखता है? गलत बात है स्टूडेंट। चिल्ड्रन जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मल एजेंसी, फॉर्मल एजेंसी क्या हुआ, जैसे स्कूल, खाली बच्चा स्कूल से थोड़ी सीखता है, बच्चा हर जगह से सीखता है, घर में सीखता है, नेबरहुड में सीखता है, आस पड़ोस बच्चा खेलने जाता है वहां सीखता है, जहां रहता है वहीं सीखता है। तो सिर्फ फॉर्मल एजेंसी से नहीं सीखता है, सिर्फ फॉर्मल नहीं, वो फॉर्मल इनफॉर्मल अनफॉर्मल सब से सीखता है, ठीक है। सोशलाइजेशन इज ए सिंपल एंड लीनियर, लीनियर प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन ए वेल प्लान्ड मैनर। नहीं, लीनियर नहीं है सोशलाइजेशन, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ए भी गलत है और आर भी गलत है। सिर्फ फॉर्मल में नहीं सीखता है बच्चा, बच्चा हर जगह सीखता है, सिर्फ फॉर्मल एजेंसी में नहीं सीखता है, बच्चा हर जगह सीखता है। और ये लीनियर और सिंपल नहीं है सोशलाइजेशन, ये सिंपल नहीं कॉम्प्लेक्स है, और लीनियर नहीं स्पाइरल है, लीनियर नहीं स्पाइरल और सिंपल नहीं कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा गलत है। बच्चे अपने समाज की जानकारी, कौशल, मूल्य, रीति रिवाज केवल औपचारिक कारकों से सीखते हैं। बिल्कुल गलत बात, औपचारिक नहीं अनौपचारिक से भी सीखते हैं, हर जगह से बच्चे सीखते हैं, ठीक है। समाजीकरण एक सरल नहीं जटिल है और रैखिक नहीं है। स्पाइरल को हिंदी में क्या बोलते हैं, वही है, ठीक है, रैखिक नहीं है, स्पाइरल है, ठीक है। तो दोनों गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो हमारा आंसर जो है वो ए और आर दोनों गलत है। फोर्थ क्वेश्चन, जीन पियाजे कंस्ट्रक्टिविज्म प्रपोजेस दैट चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू फोर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रीमेरली। जीन पियाजे जो है, जीन पियाजे ने क्या कहा है कि चार चरण में विकास होता है। जीन पियाजे रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास में चार चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं। तो चार चरण में प्रगति करता है, लेकिन कैसे करता है, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पहला है बाय एक्टिंग अपॉन द एनवायरनमेंट। सही बात है, पियाजे ने यही कहा कि बच्चा जो है अपने एनवायरनमेंट में एक्टिविटी करके सीखेगा, ठीक है। थ्रू सोशल इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेज, ये थ्रू सोशल इंस्ट्रक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर्स जो है ये बायगोत्स्की ने कहा है, बायगोत्स्की, ठीक है, ये बायगोत्स्की ने कहा है, पियाजे ने नहीं कहा है। बाय इमिटेशन, इमिटेशन नहीं, पियाजे ने इमिटेशन करने की बात नहीं कही है। थ्रू एंटीसिपेशन ऑफ रिवार्ड्स, रिवार्ड्स की बात जो है बिहेवियरिस्ट करते हैं, और पियाजे जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, ठीक है, स्किनर बताते हैं रिवार्ड की बात। पियाजे जो है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, और पियाजे कहते हैं कि बच्चा खुद एक्टिविटी करके सीखता है, एक्सपेरिमेंट करके सीखता है, बच्चा अपना अपने एनवायरमेंट से एक्सपेरिमेंट करता है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, ठीक है। वो अपने आसपास, उसके आसपास जो भी चीज है उसको एक्सपेरिमेंट करेगा, उसको टीवी का रिमोट मिल गया तो वो उसको पटक के देखेगा, वो उसको खुद एक्सपेरिमेंट करेगा कि ये क्या चीज है, ठीक है, वो किसी के कहने पे नहीं समझेगा। जीन पियाजे रचनावाद क्या प्रस्तावित करता है कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास के चार चरणों में मुख्यतः किस प्रकार प्रगति करते हैं। तो बच्चे वातावरण में अंतःक्रिया करके सीखते हैं, ठीक है। अपने से ज्यादा ज्ञान वाला जो सपोर्ट करता है वो बायगोत्स्की कहते हैं, और दूसरे का अनुसरण करने के लिए बिहेवियरिस्ट कहते हैं,
और रिवार्ड इनामों की प्रत्याशा मतलब कुछ पाने के लालच में ये बिहेवियरिस्ट कहते हैं, ठीक है। और अब हम लोग बिहेवियरिस्ट को उतना महत्व नहीं देते हैं क्योंकि हमारा जो एनसीएफ 2005 है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट को फॉलो करता है, संरचनावाद को फॉलो करता है, ठीक है। तो वातावरण में अंतःक्रिया करके बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, ठीक है। उसको आप कुछ भी दीजिएगा वो मुंह में डाल के देखेगा, वो पटक के देखेगा, वो कैसे भी करके सीखेगा, लेकिन खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैन चिल्ड्रन ऑपरेट ऑन ऑपरेशंस एंड परफॉर्म हाइपोथेटिको। देखिए ये हाइपोथेटिको जहां पे आ गया ना, हाइपोथेटिको तो वो फॉर्मल स्टेज चला गया, ठीक है। अगर कॉन्क्रीट चीजों के प्रति बताएगा कि बच्चा कॉन्क्रीट चीजों के प्रति लॉजिक लगाता है तो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होगा, लेकिन अगर बच्चा हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग करेगा, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग मतलब कि ऐसे चीज के प्रति लॉजिक लगाने लगेगा जो जिस चीज को उसको टच फील वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कर पाता है। पियाजे ने चार स्टेज बताया है। सम पीपल कांट फोकस से इसको याद रखना है। सेंसरी मोटर 0 से 2 साल, ठीक है। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 साल। तो पियाजे क्या कहता है कि जब बच्चा 11 साल से बड़ा हो जाएगा तो बच्चा उन चीजों के प्रति भी लॉजिक लगाने लगेगा जिसको वो टच फील नहीं कर सकता है, मतलब हाइपोथेटिकल रीजनिंग वो लगाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि बच्चा 11 साल के बाद जो है साइंटिफिक दिमाग लगाएगा, ठीक है, वो साइंटिफिक रीजनिंग लगाने लगेगा। और 7 साल से बड़ा बच्चा क्या करेगा, कॉन्क्रीट चीजों के प्रति लॉजिक लगाएगा, जो कॉन्क्रीट मतलब कॉन्क्रीट उसको कहते हैं जिसको वो टच फील कर सकता है, आंख से देख सकता है। और फॉर्मल हाइपोथेटिको, हाइपोथेटिको होता है जिसको कि आप कल्पना में देख सकते हैं, कल्पना में समझ सकते हैं, सामने से देख नहीं सकते, ठीक है। तो पियाजे क्या कहता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग रखता है, ठीक है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे संक्रियाओं पर क्रिया कर सकते हैं वह परिकल्पनात्मक मनात्मक सोच विकसित हो जाती है। परिकल्पना, परिकल्पना में है उसका, वास्तव में वो चीज नहीं कल्पना में है, उसपे वो दिमाग लगा सकता है, सोच सकता है। तो ये अमूर्त, मूर्त मतलब होता है जो आप सामने से देख सकते हैं, अमूर्त होता है जो आपके कल्पना में है, ठीक है। उसपे भी बच्चा दिमाग लगा लेता है किस स्टेज में जाके, लास्ट स्टेज जो उसका 11 साल से शुरू होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लेव वाइगोस्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। लेव वाइगोस्की का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उस वो किस चीज को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो वाइगोस्की में जो है आपको तीन चीज याद रखना है, वो सोशल को, सोसाइटी को बहुत बहुत महत्व देते हैं, लैंग्वेज को बहुत महत्व देते हैं और कल्चर को बहुत महत्व देते हैं। तो ये तीन ऑप्शन जो है, ये तीन चीज सोशल, लैंग्वेज और कल्चर, ये वाइगोस्की का ही, अगर कहीं पे वाइगोस्की का नाम है तो इस तीन में से जो चीज मिल जाए वही आंसर है, ठीक है। तो कल्चरल टूल यही इसका आंसर है। सोसाइटी को इम्पोर्टेंस देते हैं वाइगोस्की, लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस देते हैं और कल्चर को इम्पोर्टेंस देते हैं। मैचुरेशन पियाजे बात करते हैं, पनिशमेंट स्किनर बात करते हैं और एडेप्शन भी पियाजे के थ्योरी में। लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में क्या महत्वपूर्ण है। कल्चर, कल्चर बहुत महत्वपूर्ण है, कल्चर को वाइगोस्की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। परिपक्वता की बात पियाजे करते हैं, सजा की बात स्किनर करते हैं और अनुकूलन की बात पियाजे ही करते हैं। वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस इन द थ्योरीज ऑफ जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की में जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है वो क्या है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, पियाजे इम्फेसाइज्ड ऑन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। पियाजे नहीं, लैंग्वेज को ज्यादा इम्पोर्टेंस वाइगोस्की देता है, ठीक है, लैंग्वेज को ज्यादा इम्पोर्टेंस वाइगोस्की देता है। पियाजे
हेरिडिटी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। प्याजे का कहना है कि बच्चा अपने अंदर उतना गुण ले कर आता है, उतना क्षमता ले कर आता है कि समय के साथ जो है उसका वो अनफोल्ड होते रहता है। बायोलॉजिकल जो उसको मिला है माँ बाप से वो समय के साथ अनफोल्ड होता है। लैंग्वेज को प्याजे महत्व नहीं देता है, ठीक है। बायगोस्की गे प्राइमरली इम्पोर्टेंस टू नहीं हेरिडिटी को इम्पोर्टेंस प्याजे देता है, हेरिडिटी को प्याजे इम्पोर्टेंस देता है और लैंग्वेज को बायगोस्की। बायगोस्की इम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ कल्चर इन कॉग्निटिव, ये बिल्कुल सही बात है। प्याजे जो है कल्चर को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। प्याजे गेव इम्पोर्टेंस टू व्हाट द चाइल्ड कैन डू ऑन हर ओन एज वेल एज व्हाट शी कैन डू विद सपोर्ट, ये क्या अपने से कर सकता है और क्या सपोर्ट से कर सकता है, ये बायगोस्की बोलता है, ठीक है। प्याजे नहीं, बायगोस्की बोलता है कि अगर बच्चे को आप सपोर्ट दीजिएगा, स्कैफोल्डिंग दीजिएगा तो बच्चा कर सकता है, अगर वो खुद से नहीं भी कर सकता है तो सपोर्ट से कर सकता है, ठीक है। जीन प्याजे लेव वायगोत्स्की के सिद्धांतों में प्रमुख अंतर क्या है, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा को वायगोत्स्की इम्पोर्टेंस देते हैं। वायगोत्स्की ने सीखने में वंशानुगत को प्याजे, हेरिडिटी को प्याजे इम्पोर्टेंस देता है। वायगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल दिया है। वायगोत्स्की तीन ही चीज पर बल देता है, कल्चर, सोशल और लैंग्वेज, ठीक है। प्याजे ने इस बात पर बल दिया कि बच्चे खुद से दूसरों की मदद से, ये तो वो हो गया स्कैफोल्डिंग, ये बायगोस्की ने कहा, प्याजे ने नहीं, ठीक है। नाम उल्टा पुल्टा करके दे दिया, प्याजे के बाद को बायगोस्की, बायगोस्की के बाद को प्याजे, ठीक है। कैरल गिलिगन जो है ये कोलवर की स्टूडेंट थी, जिसने की बाद में कोलवर का क्या किया था, आलोचना किया था। कैरल गिलिगन क्रिटिक लॉरेंस कोलवर्क्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट बाय अर्गुइंग दैट मेन हैव मॉरेलिटी ऑफ कैरल गिलिगन ने क्या कहा कि उसने जो क्या कहता है एक्सपेरिमेंट किया है, कोलवर्क ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें सिर्फ उसने मेल बच्चे को रखा अपने एक्सपेरिमेंट में, उसने अपने मेल एक्सपेरिमेंट में फीमेल बच्चे को नहीं रखा, जबकि मेल का जो मॉरल डेवलपमेंट होता है, मॉरलिटी होता है वो अलग होता है, फीमेल का जो मॉरल सोच है वो मेल से अलग है। हो सकता है कि जिस बात पे मतलब मेल ज्यादा, फीमेल जो है उसको इसने ज्यादा इमोशनल माना है कि फीमेल ज्यादा इमोशनल होती, हो सकता है वो अपना डिसीजन अलग तरह से लेगी, उसका मॉरल डिसीजन अलग होगा। लेकिन लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में सिर्फ मेल बच्चों को रखा, फीमेल बच्चों को नहीं रखा, तो इसने क्या कहा है कि मेन जो है उसका मॉरलिटी क्या होता है फीमेल से, देखना पड़ेगा इसमें क्या सेट हो रहा है, जस्टिस केयर व्हाइल वुमेन हैव मॉरलिटी ऑफ मेल जो है वो ज्यादा जस्टिस को इम्पोर्टेंस देगा और फीमेल जो है वो ज्यादा केयर को इम्पोर्टेंस देगी, ये कहा है। तो इसीलिए कैरल गिलिगन ने लॉरेंस कोलवर की आलोचना की है, ठीक है। ये उसी की स्टूडेंट थी, कोलवर की स्टूडेंट थी और इसने कोलवर की आलोचना की है। कैरोल गिलिगन ने लॉरेंस कोलवर के नैतिक विकास के सिद्धांत की समालोचना करते हुए तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का अधिकार देखभाल है। मेल जो है वो ज्यादा न्याय पे ध्यान देगा और फीमेल जो है वो ज्यादा केयर पे ध्यान देगी, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is correctly matched pair of the type of intelligence and the end state possibilities as per the theory of Howard Gardner? Howard Gardner ने क्या कहा है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है, 8 प्रकार की बुद्धि होती है, अब कौन सा सही मैच है ये देखना है, ठीक है, कौन सा इसमें से सही मैच्ड है। लिंग्विस्टिक एंड स्टेट पॉसिबिलिटी अकाउंटेंट, जो लिंग्विस्टिक है वो अकाउंटेंट कैसे बनेगा, उसको तो वो तो क्या बनेगा, वो बनेगा गीतकार, कवि, पोएट बन सकता है, जो लिंग्विस्टिक है उसको भाषा पे पकड़ है ना,
अब देखो स्पेशल, स्पेशल मतलब स्थानिक बुद्धि एंड स्टेट पॉसिबिलिटी आर्किटेक्ट, ये बन सकता है, जो जिसको स्पेशल बुद्धि है वो आर्किटेक्ट बन सकता है, ठीक है। बॉडली काइनेस्थेटिक, जो बॉडली काइनेस्थेटिक है वो सिंगर कैसे बनेगा, सिंगर तो वो बनेगा ना जिसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, जो बॉडली काइनेस्थेटिक है वो प्लेयर बनेगा। नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक वो बनता है जिसको कि नेचर से ज्यादा लगाव होता है, वो टीचर कैसे बनेगा। तो सही मैच ये है कि जो जिसको स्पेशल बुद्धि है वो आर्किटेक्ट बन सकता है, ठीक है। आठ प्रकार की बुद्धि बताइए, और उसमें बताया कि जिसको जो बुद्धि, जैसे आप किसी को भाषा पे पकड़े तो वो, अब जिसको म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा है वो सिंगर बन जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। ये बुद्धि का प्रकार दिया और ये उसके अनुसार, क्या जिसको भाषा का बुद्धि है वो लेखापाल नहीं बनेगा, ठीक है, और जिसको स्थानिक बुद्धि है, स्थान का बुद्धि है, वो वास्तुकार बन जाएगा। जो शारीरिक गति संवेदनात्मक है वो प्लेयर बनेगा, वो गायक नहीं बनेगा। जिसको प्राकृतिक बुद्धि है, प्रकृति से, वो गार्डनर बन सकता है, वो शिक्षक नहीं बन सकता, ठीक है। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंसीडर्स मल्टीलिंगुअलिज्म, कहने का लोग कहते हैं कि इस बार मल्टीलिंग, इस पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर क्वेश्चन आया था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर क्वेश्चन नहीं था, वास्तव में जो है ये पेडागोजी पे ही क्वेश्चन था। यहाँ पे 2020 ना देके अगर कुछ भी और भी देगा तो हम वही ऑप्शन खोजेंगे जो ऑप्शन पॉजिटिव है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो बाधा कभी नहीं होता है, मल्टीलिंगुअलिज्म बाधा कभी नहीं होता, उसको एक रिसोर्स की तरह लिया जाता है, ठीक है। एज एन एसेट इन द क्लासरूम, ये सही आंसर है, उसको एक एसेट की तरह, रिसोर्स की तरह लिया जाएगा। एज ए अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अननेसेसरी नहीं है, मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। एज ए बैरियर भी नहीं, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, जब बच्चे क्लास में आते हैं, तरह तरह के बच्चे तरह तरह के भाषा बोलते हैं, जो उनके घर में भाषा बोली जाती है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, उसके लैंग्वेज को, उसके घर के लैंग्वेज को, जो वो बोल पाता है उसको सम्मान देना चाहिए, इसको एक एसेट की तरह लेना चाहिए, संसाधन की तरह लेना चाहिए, ताकि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। अगर बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा तो फिर आप उसको नहीं सिखा पाएंगे, इसलिए वो किसी भी भाषा में करे कम से कम एक्सप्रेस तो करे, इसलिए मल्टीलिंगुअलिज्म एक अच्छी चीज होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये 2020 दिया हुआ है, लेकिन इसके पहले की भी जितनी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, वो मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा ही देता है, ठीक है। बच्चों को सीखने में रुकावट नहीं है, ये एक पूंजी की तरह देखना चाहिए, और ये जटिलता नहीं करता है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में नहीं, समावेशी शिक्षा में अवरोध नहीं, ये एक रिसोर्स है, ठीक है। तो होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, क्वेश्चंस समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, बाय।